नमस्ते दोस्तों, आपके पास काफी अच्छी काबिलियत है लेकिन सिर्फ आपके स्किन का कलर ब्लैक है, इसलिए आपको अगर नकार आ गया तो आपको कैसे महसूस होगा। ईआर ब्रेथवेट ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था। अपनी जिंदगी उन्होंने कुछ इसी तरह से हमारे साथ शेयर की है। तो चलो देखते हैं टू सर विथ लव बाय ईआर ब्रेथवेट। ईआर ब्रेथवेट यूस्टन्स एडवर्ड Richardo Brathwaite, known as E.R. Brathwaite, was a Guyanese-born British-American novelist, writer, teacher, and diplomat, best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. He was the author of one of the famous 1959 autobiographical novels, To Sir With Love. So, dosto, E.R. Brathwaite jo the, wo British-American novelist the. काफी अच्छे टीचर थे, डिप्लोमेट थे और सबसे बढ़िया बात ये थी कि उन्होंने 1959 में ही अपनी लेखन शैली की वजह से ब्लैक पीपल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनकी स्किन के कलर की वजह से, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल टू सर विथ लव इसमें हमें दे दी। He also wrote A Kind of Homecoming about his tour of Africa, A Choices of Straws, a novel set in London, and Reluctant Neighbors, a memoir, and treatise about racism. Brathwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a set of inhuman circumstances. So, A Kind of Homecoming, जो उनका अफ्रीका का अनुभव था, A Choice of Straw, जो उनका लंदन का अनुभव था, Reluctant Neighbors, ये ट्रीटीज जो अपने रेसिज्म के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में उन्होंने लिखी है, उन्होंने जो अपनी राइटिंग्स थी वो पूरी तरह से डेडिकेट ब्लैक मैन, ब्लैक सोशल वर्कर्स या ब्लैक टीचर्स या कोई भी एक ब्लैक पर्सन हो उसकी सारी जिंदगी में कितनी दिक्कतें आती है, उनको कौन से चीजों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ उनका स्किन कलर ब्लैक है इसलिए, ये जो ब्रिटिशर्स की तरफ से किया गया डिस्क्रिमिनेशन है, इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने यहाँ पे लिखा है। टू सर विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। द नैरेटर इज एन इंजीनियर बट टू मेक बोथ एंड्स मीट ही एक्सेप्ट्स द जॉब ऑफ अ टीचर इन अ रफ लंडन ईस्ट एंड स्कूल। तो टू सर विथ लव ये जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ईआर ब्रेथवेट की, यहाँ पे नैरेटर जो है अपने ईआर ब्रेथवेट जो है वो इंजीनियर है, बट टू मेक बोथ एंड्स मीट ही एक्सेप्ट द जॉब ऑफ ए टीचर इन अ रफ लंडन ईस्ट एंड स्कूल। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें काफी अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में उन्हें लंडन ईस्ट एंड स्कूल में वो जॉब मिल गया। द स्कूल इज फुल ऑफ ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स हु वेर रिजेक्टेड from other schools for their behavior. तो वो ऐसे स्कूल में गए थे जहाँ पे बच्चे काफी शरारती थे और उन बच्चों को दूसरे स्कूल में से निकाल दिया गया था क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका जो वर्तन है बाकी स्कूलों में काफी अच्छा नहीं रहा। At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by students, but later, his calm demeanor and desire to see them succeed gradually earn him their respect. अपनी सोच, अपना वर्तन, अपना बिहेवियर और उनकी अलग ही एक टीचिंग स्टाइल की वजह से बच्चे उनके कैसे मुरीद हो जाते हैं, वो बच्चों में कैसे बदलाव लाते हैं, ये सारी चीजें हम टू सर विथ लव में देखेंगे। दोस्तों, इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। रिकी ब्रेथवेट जो कि यहाँ पे नैरेटर है, गिलन ब्लैंचर्ड, मिसेस डेल इवेंस, डेनहैम, पैमेला डेयर, मिस्टर फ्लोरिन और उसके बाद कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनके बारे में भी हम पार्ट टू में डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे पार्ट वन में हम 4.2 टू सर विथ लव इसकी समरी और थीम ऑफ द नॉवेल देखने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विथ द समरी ऑफ द नॉवेल। समरी ऑफ द नॉवेल 4.2 टू सर विथ लव। पैराग्राफ 1। To Sir With Love is a work of fiction based on the life of the author E.R. Brathwaite. To Sir With Love ये एक fiction है, ये एक novel है जो E.R. Brathwaite, जो अपने author है, इनके life के ऊपर लिखी गई है। The main character E.R. Brathwaite works as an engineer
इन एन ऑयल रिफाइनरी। अपने जो मेन कैरेक्टर है ईआर ब्रैथवेट, वो एक रिफाइनरी में, ऑयल फैक्ट्री में इंजीनियर का काम करते हैं। ही सर्व इन द रॉयल ब्रिटिश एयर फोर्स इन द वॉर। वॉर के समय, दूसरे महायुद्ध के समय उन्होंने रॉयल ब्रिटिश एयर फोर्स में भी इंजीनियर का काम किया था। आफ्टर द वॉर, बींग अ ब्लैक पर्सन, ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब महायुद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद सिर्फ वो ब्लैक पर्सन है, उनका स्किन कलर ब्लैक है, इसकी वजह से उन्हें जॉब मिलने में, नौकरी मिलने में उन्हें काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। एज अ लास्ट रिसोर्ट ही अप्लाइड इन अ स्कूल टू बिकम अ टीचर। उनके पास कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने फाइनली स्कूल में टीचर बनने का सोचा और उन्होंने टीचर के लिए अलग अलग स्कूल्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया। सरप्राइजिंगली ही इज एक्सेप्टेड एट द ग्रीनस्लेट स्कूल इन लंडन्स ईस्ट एंड एंड इज सेट टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल। लेकिन अचानक से उन्हें ग्रीनस्लेट स्कूल में टीचर का जॉब मिल गया जो लंदन के ईस्ट एंड में था, और वहाँ पे उन्होंने सीनियर क्लासेस के लिए अपनी टीचिंग शुरू कर दी। व्हाइल रीडिंग द नॉवेल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द टाइम पीरियड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो जब हम नॉवेल पढ़ रहे हैं, कौन से पीरियड में इसकी पूरी रचना की गई है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ब्रैथवेट फाइंड्स दैट Even though he considers himself British and has served in Royal Air Force, the English do not consider him to be one of them. Braithwaite यहाँ पे सोचते हैं और यहाँ पे consider भी करते हैं कि वो तो British है, उन्हें कोई भी English या Britisher कह के accept नहीं करता है, जबकि उन्होंने Royal Air Force, उस Air Force में अपना योगदान दिया था, फिर भी उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। दिस लीड्स ब्रैथवेट टू फील बीटर अबाउट द इंग्लिश एंड कॉलोनाइज्म एज वेल एज अबाउट हिज व्हाइट स्टूडेंट्स। इसकी वजह से ब्रैथवेट जो है वो काफी नाराज है, उन्हें काफी बुरा लगता है। कॉलोनाइजेशन, इसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। इसका मतलब यही होता है कि इंग्लैंड जो देश था तो उनकी कॉलोनीज थी, और वहाँ पे वो लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, लोगों को उनकी स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। उसके बारे में जो भी आपकी फीलिंग्स है, वो जब कोई भी एक राइटर लिखता है, ऑथर लिखता है, नॉवेलिस्ट लिखता है, तो उसके बारे में जो लिखान होता है उसे हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ पे वो कॉलोनाइजेशन की एक सिस्टम, इज अ प्रोसेस विच सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो वहां पे वो जो पूरी लैंड है और वहां पे लोग जो है उनके ऊपर ये जो सिस्टम है, ये जो अंग्रेज है वहां पे राज करते हैं। ब्रैथवेट्स टीचिंग पोजीशन स्टार्ट्स आउट रफली एंड इज एम्ब्रेस्ड टाइम एंड अगेन। तो ब्रैथवेट की टीचिंग जो है वो वहां पे शुरू हो गई, लेकिन वो काफी अच्छी नहीं रही और वहां पे उनको काफी अपमान झेलने पड़े थे। ही कंसिडर्ड हिज स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड एंड मिस्चुअस, व्हाइल हिज स्टूडेंट्स कंसिडर्ड हिम टू बी एन एरोगेंट आउटसाइडर अनफेमिलियर विद द सोशल एनवायरमेंट इन विच दे हैव ग्रोन अप। तो यहाँ पे वो जो बच्चे थे वो डिसरिस्पेक्टफुल थे, वो अपने टीचर को या सम्मान नहीं देते थे, उनके मैनर्स, उनका जो वर्तन था वो भी काफी अच्छा नहीं था, वो मिस्चुअस थे, इसका मतलब है कि वो काफी बुरी तरह से अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ वर्तन था उनका। व्हाइल हिज स्टूडेंट्स कंसिडर हिम टू बी एन एरोगेंट आउटसाइडर, और उनको ये लगता था कि ये जो ब्रैथवेट है, उनके टीचर है, वो एरोगेंट आउटसाइडर है, ये अपना आदमी है ही नहीं, क्योंकि ही इज ब्लैक, अनफेमिलियर विद सोशल एनवायरमेंट इन विच दे हैव ग्रोन अप। और सबसे बुरी बात यहाँ पे थी कि वो जो सोशल एनवायरमेंट में, जिस सामाजिक रचना में वो बच्चे बड़े हुए थे, वो भी काफी अच्छा नहीं था। द स्टूडेंट्स हैरेस हिम फ्रॉम डे वन। जब से उन्होंने पढ़ाई बच्चों के लिए शुरू कर दी थी तो पहले दिन से ही बच्चे उन्हें सताते थे। स्लैमिंग देयर डेस्क ड्यूरिंग हिज लेक्चर, जब वो पढ़ाते थे तब कुछ बच्चे बेंचेस भी जोर जोर बजाते थे। यूजिंग फॉल लैंग्वेज, बहुत बुरी तरह से वो बात भी करते थे। एंड बुलिंग हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और कभी कभी वो काफी बुरी तरह से जोर से अपने टीचर के साथ बात करते थे। इवन द गर्ल स्टूडेंट्स डू नॉट स्पेयर अ मोमेंट टू हैरेस ब्रैथवेट। कुछ गर्ल स्टूडेंट्स थी वो भी ब्रैथवेट के साथ, उनके टीचर के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करती थी। इन ए रिएक्शन टू दैट ब्रैथवेट वर्बली स्कोल्ड्स द गर्ल्स फॉर एक्टिंग इन एन अनलेडीलाइक मैनर एंड बीइंग अनरूली इन द क्लास। तो ये जो लड़कियां थी उनको वर्बली ब्रैथवेट जो थे वो स्कोल्डिंग
इसका मतलब होता है कभी कभी डांटते भी थे, लेकिन उनको बहुत बुरा लगता कि लेडीज या गर्ल्स जिनको काफी अच्छे मैनर्स होने चाहिए, मैनर्स पता होने चाहिए, या उनका जो वर्तन था वो काफी अच्छा नहीं था। When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the students, लेकिन वो ये बात जान गए थे कि बच्चों के ऊपर चिल्लाने से कोई भी फायदा है नहीं, उनके साथ कोई भी अच्छी तरह से कोऑपरेशन नहीं कर रहे। He changes his teaching and handling tactics and he decided to interact with them as though they are adults and respectable persons. तो उन्होंने अपना टीचिंग का, उन्होंने अपना वर्तन था वो पूरी तरह से बदल लिया। बच्चों को हैंडल करने का जो तरीका था वो भी उन्होंने बदल लिया, और उन्होंने बच्चों के साथ जो उनका इंटरेक्शन था, उनका बात करने का तरीका था, वो भी उन्होंने बदल लिया। और सबसे बढ़िया बात उन्होंने ये की कि उनको उनका जो रिस्पेक्ट है वो उन्होंने दे दिया, उनको बड़ों की तरह उन्होंने सम्मान देने की कोशिश की। It requires every girl be referred to as miss and that his students call him sir. तो बच्चों के साथ तो उन्होंने काफी अच्छे तरह से वर्तन उनका सुधार लिया, लेकिन जो गर्ल स्टूडेंट थी उनको भी उन्होंने मिस कहना शुरू कर दिया, और उसके बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी उन्हें सर कहना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट द स्टूडेंट्स फाइंड दिस लेवल ऑफ डिफरेंस रिडिकुलस एंड अननेसेसरी। शुरू में तो बच्चों ने इसका काफी अच्छी तरह से मजाक उड़ाया, कुछ उनको ये रिडिकुलस लगा, उसका मतलब है सिली लगा कि ये क्या चल रहा है भाई, और इसकी कुछ जरूरत है नहीं, हम अच्छी तरह से बात नहीं करते तो ठीक है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाउएवर दे कम अराउंड आफ्टर ओनली अ फ्यू वीक्स, तो हमें कुछ हफ्तों में ही उनमें कुछ बदल दिखाई दिया, कम्प्लीटली चेंजिंग बोथ देयर हाइजीन एंड देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स वन अनदर। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हफ्तों में ही उनके पूरे वर्तन में, उनके पूरे बर्ताव में हमें काफी अच्छी तरह से चेंज हमें दिखने लगा, और एक दूसरे के साथ भी वो काफी अच्छी तरह से पेश आने लगे थे। दिस मार्क्स द सक्सेस ऑफ ब्रेथवेट इन हैंडलिंग द स्टूडेंट्स इन वेरी एमिकेबल वे। तो इसकी वजह से ब्रेथवेट उन्होंने बच्चों को काफी अच्छी तरह से मोल्ड कर दिया था, और जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया था वो काफी सराहा गया बच्चों की तरफ से और उनके या उनके दोस्तों की तरफ से। टू इंक्रीज द क्लास कल्चरल एक्सपोजर ही टेक्स देम ऑन फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शंस टू म्यूजियम्स एंड थिएटर्स। उनका जो क्लास था उसका कल्चरल एक्सपोजर, इसका मतलब होता है उनके जो क्लास थे उसके सांस्कृतिक धरोहर या उनको बाहर की सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए ब्रेथवेट अपने बच्चों को लेकर फील्ड ट्रिप के लिए चले गए, एक्सकर्शन के लिए चले गए और कुछ विजिट्स के लिए चले गए, जहां पे उन्होंने म्यूजियम्स और थिएटर्स में भी विजिट किया था। टू एवरीवन सरप्राइज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नेवर बीन। सबसे बढ़िया बात ये हो गई कि बच्चों ने अभी तक ऐसे म्यूजियम्स में, थिएटर्स में या कोई भी ऐसे फील्ड ट्रिप अभी तक कंप्लीट नहीं की थी, तो उसकी वजह से बच्चे काफी खुश थे। अ व्हाइट फीमेल टीचर गिलियन ब्लैंचार्ड अकंपनीज द क्लास ऑन दीज एक्सकर्शंस। तो एक व्हाइट फीमेल टीचर थी गिलियन ब्लैंचार्ड, जो ये पूरे एक्सकर्शन में, ये विजिट में बच्चों के साथ बाहर गई थी। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ब्लैंचार्ड एंड ब्रेथवेट। और उसकी वजह से ब्लैंचार्ड और ब्रेथवेट में कुछ अच्छी तरह से दोस्ती हो गई। सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशनशिप विथ हिज स्टूडेंट्स इज टेस्टेड मेनी अ टाइम्स। और उसके साथ ब्रेथवेट की जो दोस्ती थी अपने बच्चों के साथ वो भी काफी अच्छी तरह से घुल मिल गई, अच्छी हो गई। ऑल्दो हिज स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली डिसअपॉइंट एंड हर्ट हिम ही लर्न्स टू फॉरगिव देम। ब्रेथवेट के जो बच्चे थे वो काफी मिस्चुअस थे, नॉटी थे, वो कभी कभी ब्रेथवेट को डिसअपॉइंट करते थे, उनका नहीं सुनते थे, उनके साथ काफी बुरी तरह से बर्ताव करते थे, लेकिन ब्रेथवेट उन्हें हमेशा ही माफ कर देते। द स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली सरप्राइज हिम विथ देयर मैच्योरिटी एम्पथी एंड नॉलेज। लेकिन कुछ बच्चे थे जो ब्रेथवेट को काफी अच्छी तरह से सरप्राइज करते थे उनकी वर्तन की वजह से, उनकी मैच्योरिटी की वजह से, उनकी समझ की वजह से और उनकी नॉलेज की वजह से। अनदर फैक्ट ऑफ द स्टोरी विच ग्रेटली अफेक्ट्स इट्स नैरेटिव लाइज इन द हेवी हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइज्म। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन, ये इस नॉवेल की सेंट्रल थीम है। तो हमने अभी भी कोलोनाइजेशन के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। कोलोनाइजेशन मीन्स इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स
कंपोनेंट्स। अंग्रेज जो थे वो अलग अलग जगह पे अपने कॉलोनीज बना के, अपने राज्य बना के वो वहाँ पे अन्याय करते थे, लोगों को उनका स्वातंत्र्य नहीं देते थे, उनका फ्रीडम नहीं देते थे। तो उसकी वजह से वो जो सारा डिस्क्रिमिनेशन है वो अपने नॉवेल में ब्रेथवेट इन्होंने लिखा है, इट्स डार्क कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके जो परिणाम हुए थे वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा दैट इंक्रीजेस ब्रेथवेट्स हेट्रेड एंड रिथ फॉर ब्रिटिश। तो उसकी वजह से उनका दिमागी और फिजिकली ट्रॉमा ब्रेथवेट के दिमाग में या अपने जो ऑथर है उनके दिमाग में ये ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा एंगर, व्रिथ यानी एंगर, ब्रिटिशर्स के लिए उनके दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो गुस्सा उन्होंने अपनी राइटिंग में से निकाल लिया था। He constantly feels the prejudicial effects of colonialism while living in England after World War II. Black versus white. ये और उसके पूरे परिणाम उन्होंने देख लिए थे और वर्ल्ड वॉर सेकंड में उसकी कुछ अनुभूति भी उन्हें हो गई थी। And these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. और ये सारे negative experiences की वजह से, नकारात्मक जो उनके अनुभव थे उसकी वजह से उनके विचार और उनकी कुछ कृतियां भी ऐसी बन गई थी कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। ब्रेथवेट इज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड बाय द कंडीशंस इन विच दीज स्टूडेंट्स लिव। ब्रेथवेट वो काफी आश्चर्यचकित थे और शॉक में भी थे कि जिस कंडीशंस में ये बच्चे रह रहे थे, जिस कंडीशंस में ये बच्चे पढ़ रहे थे वो कुछ अच्छा नहीं था। एंड ऑल्सो द फिजिकल ट्रॉमा ऑफ द वॉर दैट कैन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एनवायरमेंट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दूसरा महायुद्ध जब चल रहा था तभी हमारी नॉवेल या उसकी पूरी राइटिंग है। तो इस सिचुएशन में बच्चे भी कुछ ट्रॉमा में थे, उस शॉक में थे कि कब क्या हो जाए, और वो जो वॉर सिचुएशन थी वो पूरी इस नॉवेल में हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने समरी ऑफ द नॉवेल तो यहाँ पे देख ली, अब देखते हैं थीम ऑफ द नॉवेल। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्रेजुडिस एंड रेसिज्म आर द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवेल। तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, इसका मतलब है विद्यार्थी और टीचर, इनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी थी। प्रेजुडिस एंड रेसिज्म, प्रेजुडिस इसका मतलब होता है कि कुछ हर्टफुल थिंग, एंड रेसिज्म का मतलब होता है कि आप कौन सी जात से हो, कौन से धर्म से हो, आपका स्किन कलर ब्लैक है या व्हाइट है, इसकी वजह से अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया हो, आपके पास वो कौशल्य है, आपके पास बुद्धिमत्ता है, लेकिन सिर्फ आप ब्लैक हो इसलिए अगर आपको नकारा गया तो उसे कहते हैं रेसिज्म। तो दिस इज व्हाट द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल। ईयर ब्रेथवेट गेट्स अ जॉब ऑफ अ टीचर इन अ रादर रफ एंड नोटोरियस स्कूल। ईयर ब्रेथवेट को जो टीचर की जॉब मिली थी वो रफ एंड नोटोरियस स्कूल में मिली थी। इसका मतलब होता है कि वो स्कूल काफी अच्छी नहीं थी और वहां पे बच्चे भी थे वो ज्यादा शरारती थे। ही फाइंड्स दैट द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू बैकग्राउंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर लर्निंग एंड देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ईआर ब्रेथवेट जो अपने नॉवेलिस्ट है उन्होंने एक चीज यहाँ पे दे दी है कि बच्चों का जो फैमिली बैकग्राउंड था या सोशल बैकग्राउंड था वो ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में आके काफी अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, जिसे हम ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं, वो भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी या बच्चे आगे जाके काफी अच्छा पढ़ सकते थे। He notices that the students are in no mood to change their attitude and behavior. तो उसकी वजह से ईआर ब्रेथवेट ने ये चीज यहाँ पे हमें कह दी है या उनको पता चला था कि बच्चे अभी पढ़ने के या अपना एटीट्यूड बदलने के, अपना वर्तन बदलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। ब्रेथवेट विथ हिज नॉवेल एंड क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट साइकोलॉजी अल्टीमेटली विंस देयर हार्ट्स इन नो टाइम। ब्रेथवेट अपनी क्रिएटिव आइडियाज की वजह से, कुछ अलग सोच की वजह से, अलग अलग आइडियाज की वजह से, कुछ नई तरीकों की वजह से और बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों का जो मानस शास्त्र है वो उन्होंने काफी अच्छी तरह से समझ लिया था और उसकी वजह से वो सीधा बच्चों के दिल में जाके बैठे थे। दो ही वॉज बुल्ड, harassed mentally and physically, tortured many times, he didn't lose his patience and continued implementing
his novel ideas and techniques that help him to bring a significant change in his students' lives. तो दोस्तों यहाँ पे though he was bullied, harassed mentally and physically, tortured many times. तो इसका मतलब यही होता कि उनके बच्चों ने काफी उनका अपमान किया था, कभी mentally तो कभी physically उनको torture भी किया था. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने patience, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया था. और इसके बावजूद उन्होंने कुछ अलग अलग आइडियाज, कुछ अलग अलग सिखाने के तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, वो उन्होंने अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट कर दिए. और उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, वो कुछ नई आइडियाज की वजह से, नई टेक्निक्स की वजह से उनके बच्चों में काफी अच्छी तरह से बदलाव हमें दिखा था. कुछ अच्छे बदलाव हमने महसूस किए थे जो बच्चों में हम देख सकते थे. द रेसिज्म प्रीवेलेंट इन ग्रेट ब्रिटेन during the mid 1940s, the time period during which To Serve With Love takes place, is of primary significance in the novel. To Serve With Love, ये कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1940s के mid में, दूसरा महायुद्ध जब चल रहा था, तो उस समय ये नॉवेल लिखी गई थी. द नैरेटर साइट्स रिपीटेड इंसिडेंसेस इन विच ही एक्सपीरियंस द रेसिज्म. और अपने जो नैरेटर है, अपने जो नॉवेलिस्ट है, उन्होंने अलग अलग जगह ये रेसिज्म, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये ब्लैक वर्सेस व्हाइट, ये जो लड़ाई थी, वो अलग अलग जगह पे उन्होंने देखी थी. ऐसे कुछ कहानियां, ऐसे कुछ तथ्य यहाँ पे दिए है. व्हाइट ब्रिटन्स इंक्लूडिंग एनकाउंटर्स ऑन द बस, बस में चढ़ते थे तब भी उन्होंने ऐसी कुछ चीजें अनुभव की थी. जब वो जॉब्स के लिए इंटरव्यूज देते थे तब भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें महसूस की थी. जब वो ग्रीनस्लेट स्कूल में गए थे तब उनके ही बच्चों ने उनके साथ ब्लैक होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया था, उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा था. जब वो घर ढूंढने गए थे तब भी उनको ब्लैक होने की वजह से नकारा गया था. एट अ रेस्टोरेंट विथ हिज गर्लफ्रेंड, जब वो अपने होने वाले पत्नी के साथ भी गए थे बाहर, तब भी उनको ऐसी रेसिज्म का सामना करना पड़ा था. इसे बहुत सारी चीजों की वजह से हम ऐसे कह सकते हैं कि रेसिज्म इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस नॉवेल. एट द आउटसेट ब्रेथवेट इज स्ट्रक by unexpectedness of such prejudice. और यही नहीं, काफी अलग अलग चीजों की वजह से, अनएक्सपेक्टेड चीजों की वजह से ब्रेथवेट जो थे वो प्रेजुडिस हो गए थे. ये जो बात थी उनके दिल पे बहुत ज्यादा लगी थी. He was brought up in British Guyana and he viewed himself as a British citizen. वो खुद को British citizen भी मानते थे, लेकिन not as a black British citizen in British colony. लेकिन British citizen होने के बाद भी उनके ही ब्रिटिश कॉलोनी में उन्हें ब्लैक होने की वजह से नकारा जाता था. When he served Great Britain in Royal Air Force, जबकि उन्होंने रॉयल एयर फोर्स में अपनी सेवा समर्पित की थी, जो बहुत बड़ा ओहदा होता है, उसके बावजूद भी उन्हें ब्लैक होने की वजह से रेसिज्म का सामना करना पड़ा था. That gave him respect and esteem in the society. या रॉयल एयर फोर्स की वजह से उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिला, काफी अच्छी तरह से एप्रिसिएशन भी मिला. लेकिन जब जिस दिन उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया, उसके बाद दूसरे दिन से ही उन्हें आउटसाइडर या ब्लैक पर्सन ऐसे ही देखा गया. द डे ही लेफ्ट द जॉब ही फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी एन आउटसाइडर. जैसे कि वो ग्रेट ब्रिटेन के है ही नहीं, ब्रिटिश सिटीजन है ही नहीं, ऐसे उनको ट्रीट किया गया. Braithwaite's extensive experience and education was of no use in job interviews. Braithwaite का जो extensive experience था, wide experience था उनके field में, लेकिन उस experience का, उनके education का कहीं पे भी ख्याल नहीं रखा गया. जब वो job interviews देने जाते थे तब भी उनको नकारा जाता था. Where he is informed that the job has already been filled or he is overqualified for it. तब उनको बताया जाता था, क्योंकि वो black थे इसलिए, कि अरे ये तो job हमने किसी को दी, या इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो, आपका क्वालिफिकेशन काफी अच्छा है, काफी ज्यादा है, हम इतने बड़े लोगों को यहाँ पे नौकरी के लिए नहीं लेते हैं. दिस हाइटन्स ब्रेथवेट्स सेंस ऑफ बिट्रल फॉर द ब्रिटिश. और इसकी वजह से उनका ब्रिटिशर्स लोगों के लिए अनफेथफुल बिहेवियर की वजह से ब्रिटिशर्स के लिए काफी गुस्सा उनके दिल में था, दिमाग में भी था. इंटरेस्टिंगली ही नेवर लैशेस आउट फिजिकली एंड ओनली रेयरली डज ही डू सो वर्बली. उसकी वजह से उनको कहीं से निकाला तो नहीं गया था, लेकिन जो बोलने का तरीका था व्हाइट पीपल का, उसकी वजह से उनको काफी जगह से निकाल दिया गया था. ही एग्जिबिट्स पेशेंस एंड्यूरेंस एट टाइम्स एंड एट अदर्स
He describes the way the rage inside him is transforming into hatred so strong that he desires to hurt those who treat him unfairly. उसके बाद तो उनका वर्तन, उसका गुस्सा कुछ इस तरह से बढ़ गया था कि जो भी उनके साथ ऐसे ट्रीट करेगा, जो भी उनको ब्लैक कह के कहेगा, तो उनके साथ वो काफी गुस्सा हो जाते थे. As a result of such experiences, Braithwaite finds the students at the Greenslade School to be a bit notorious and rough in behavior, but with proper care and treatment, all the students would surely achieve success and desired goals in their lives. अगर आपके साथ कितना भी बुरा बर्ताव हुआ हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को काफी अच्छी तरह से ट्रीट करते हो, वो काफी नोटोरियस है कि वो बच्चे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, टीचर्स के साथ उनका बिहेवियर अभी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उनकी साइकोलॉजी आपने अच्छी तरह से समझ ली, उनको अच्छी तरह से आपने ट्रीटमेंट दे दी, रिस्पेक्ट दे दिया, तो आपके बच्चे जो है वो भी काफी अच्छी तरह से सक्सेस पा सकते हैं अपनी जिंदगी में, और जो उन्होंने गोल्स डिसाइड किए हैं, जो उनके सपने हैं, वो वहां तक पहुंच सकते हैं. ये एक्सपीरियंस Braithwaite ने हमें यहाँ पे दिया है. तो दोस्तों, दिस इज व्हाट टू सर्व विथ लव, समरी एंड थीम ऑफ द नॉवेल. पार्ट टू में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 17. दोस्तों, अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, वो सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है. आपके जो भी सुझाव है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, and I'm waiting for your comments. Thank you so much.